और यहाँ पे ले रहे हैं हम गुड़, तो 50 रुपए किलो का है, तो 2 किलो लिए हमने। भैया को हमने बोला थोड़ा भैया कम कर दो, तो मना कर रहे हैं। तो 50 रुपए का 1 किलो है, तो 100 रुपए के 2 किलो ले लिए। हम गए थे वैष्णवी मंदिर, और मंदिर से थोड़ी दूरी भी पड़ता है गौशाला, और गौशाला देख के एकदम खुश हो गई, क्योंकि इतना बड़ा गौशाला मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ। बहुत बड़ा गौशाला है, और आपको दिखाते हैं। तो हम गौशाला के अंदर आ गए, और इधर ये मेन गेट है, इधर बाहर की साइड से भी दिखाऊंगी अभी मैं। और यहाँ पे ये गेट है, और गार्ड भी लगे हैं। काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा गौशाला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गायों के नाम दे रखे हैं कि गायों के इतने इतने नाम होते हैं। श्री कृष्ण गौशाला गौ माता के 108 पवित्र नाम, भारतीय देसी गाय की प्रजातियाँ, मतलब कितनी प्रजातियाँ होती है वो भी दे रखा है। इधर देखिए कितने सारे नाम हैं, तो मैं सबका नाम तो लेके नहीं बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी और ज़्यादा टाइम फिर वीडियो लंबी जाएगी। अभी दिखाती हूँ आपको, देखना कितनी सारी गाय हैं, बहुत सारी गाय हैं। और इधर बहुत सारे मालवाड़ी लोग भी दिख रहे थे हमें, ऐसे जैसे झुग्गी टाइप की बना रखी थी और गाय चरा रहे थे। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कुछ, तो यहाँ पे देखिए लंगूर, लंगूर है ये, अब बांध रखा है इसको, डोरी से बांध रखा है। ये देखिए खाएगा, वो बुरा खुजली हो रही। और मेरे बेटे के लिए गन्ना ला रखा था, ये गन्ना देखती हूँ खाता नहीं खाता, ले ले खाता नहीं खाता, देखें। और इस साइड में मंदिर है, तो मंदिर दिखाते हैं हम अभी, पहले दिखाएंगे गाय को, और ये जितना होगा गुड़ खिलाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गाय है तो मेरी गुंजाइश इतनी है, तो मैं बहुत कम लाई। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो फिर मैं ज़्यादा भी लाऊंगी, तो फिलहाल मैं 2 किलो लाई। और बहुत सारी गाय आ रही है, ये देखिए गुड़ देख के गाय बहुत, ये इधर गेट पर आ गई, और सारी सफ़ेद गाय है इसमें भी।
गाय दूसरी तरफ होगी या चरने गई होगी, तो यहाँ देखिए सफाई पे लगे हैं। ये सारा गोबर खेती में जाता होगा ना। बहुत बड़ी गौशाला है, पूरा तो हम दिखा ही नहीं सकते आपको, जहाँ तक दिख रहा है ना पूरी गौशाला है, तो पूरा तो हम घूम नहीं सकते क्योंकि हमारे एरिया से काफी अलग पड़ता है, तो हमें लेट हो जाएगा। हेलो 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 करो अभी। यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हाय करो हाय करो हाय करो। साइड हो जा साइड हो जा। ओए देखो छोटी सी दूर सब निकालते हैं इनका, तो शाम को यहाँ नहीं है। सारी इधर जितनी भी दीवारें हैं ना गौशाला की, तो ये गोबर और मिट्टी देख के लिपाई कर रखी है, गोबर और मिट्टी से, तो कितनी बढ़िया लग रही है ना हाथ से ना, ये हल्का हल्का ऐसे लग रहा है ना डिजाइन निकाल रखा है जैसे, तो बहुत अच्छी दीवार लग रही है और अच्छा भी रहता है। अले देखिए यहाँ ऐसी गौशाला हम फर्स्ट बार देख रहे हैं। यहाँ देखिए बतख भी बहुत सारी है, और ये देखिए पिंजरा बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए खरगोश है, उसका बच्चा देखा, छोटा सा बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं इधर, तो खरगोश भी है और बतख भी है, और क्या बोलते हैं नहीं बतख के ना बहुत सारे अंडे दे रखे हैं, बहुत सारे इधर बहुत सारे हैं, इधर कबूतर भी हैं, कबूतर भी हैं बहुत सारे इधर, यहाँ सफेद कलर के, और खरगोश भी बहुत सारे दिख रहे हैं। अब बच्चे देखो बच्चे रे बच्चे बहुत सारे, यहाँ देखिए यहाँ क्या सुंदर कितना बढ़िया बना रखा है। ये देखिए बाहर से गोबर का अच्छा लग रहा है ना, गोबर से पुताई कर रखी इसकी, और यहाँ देखिए ऊपर ये घास है, घास की झोपड़ी, झोपड़ी नहीं होती जैसे वैसे बना रखी, लेकिन इधर बहुत मधुमक्खी है,
बहुत सारी मधुमक्खी आई थी। छप्पर बना रखा है और अंदर ये रहने के लिए, इतनी बड़ी गौशाला है तो रहने के लिए यहाँ बेड भी लगे हैं, सोफा सेट वगैरह बैठने के लिए पंखे लगे हैं, तो बहुत अच्छा और अंदर भी बहुत सुंदर लग रहा है। सच में यार इतना, इतनी बड़ी गौशाला है ना, यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पार्क भी है और खेलने के लिए ये झूला वगैरह भी लगे है, मंदिर है यहाँ सब कुछ, मतलब बाहर जाने का तो बनता ही नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। और ये बांस के डंडों से देखो कितना बढ़िया हाउस बना रखा है ना, ये देखिए ये बांस के डंडे हैं लेकिन इस पे पेंट करके इसको अलग अलग कलर में कितना डेकोरेट कर रखा है ना। तो चप्पल लिया ही, पर यहाँ हवन कुंड बना रखा है यहाँ पे, तो हवन होता है देखो, नीचे पूरी मिट्टी वो गोबर से लिपाई कर रखी और यहाँ पे हवन कुंड है, तो ये देखिए ऐसे लग रहा है ना जाने कितना पुराना, नए उसमें डेकोरेट कर रखा है, लेकिन देखिए अपना मतलब पुराना जो हमारा पहले से, अब जहाँ हम गांव से कहीं से भी तो ये मिट्टी की तो लिपाई होते हैं ना, तो सेम वही दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, फिर अपना पुराना, पुरानी चीज़ें याद आ जाती है ना, हमारा पुराना कल्चर है ना, तो इसको देख के हमें भी ये अपना पुरानी चीज़ें याद की, ये गोबर की लिपाई, आजकल देखो सीमेंट सुमेंट गोबर तो सबने पीछे छोड़ दिया, गोबर को कुटिया तो छोड़ो, हाथ भी लगाना कोई पसंद नहीं करता, तो यहाँ देखिए अरे ये बांस के, देखिए दूर से आपको लगेगा नहीं कि ये बांस है, अब बांस पे पेंट करके तीन चार कलर में देखो कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। ऐसी गौशाला सच में हमने फर्स्ट बार देख रहे हैं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, तो पूरी गौशाला दिखाई नहीं सकते आपको, इतनी बड़ी गौशाला है। यहाँ पे देखिए ये श्री, ये क्या दिया, श्री कृष्ण गौशाला के नाम से है, ये थेरेपी, ये देखिए इनसे हमारी बीमारी भी, देखो जो तनाव रहता है ना, तनाव भी मुक्त होता है गाय की सेवा करने से, गाय के नज़दीक आने से, और थेरेपी, थेरेपी में भी हमें लाभ मिलता है, जैसे गाय के नज़दीक आने से, गाय की सेवा करने से, तो यहाँ पे कितना बढ़िया दे रखा है ना, तो इन इनसे हमें सीखना चाहिए, देखो पोस्टर लगाया है आप, ये देखिए ये चीकू का पेड़ है, बहुत सारी चीकू लगे हैं लेकिन अभी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे आज ये दिख रहे होंगे आपको, बड़े भी हो गए, कहाँ हैं बाबू, खाते हो आप, खाए ये देखिए, अरे एक हमने तोड़ दिया लेकिन ये अभी बिल्कुल कच्चा है, बहुत सारे लगे हैं, कच्चा है, हाँ अभी कच्चे हैं, ये बहुत बड़े होंगे तब जाके पकेंगे, वो बड़े हो गए, ये देखिए ये पका हुआ है लेकिन इनका साइज छोटा है ना। मीठा है, ये देखिए अनार लगे हैं, ये देखो अनार के पौधे, अनार आ रखे, देखिए इसमें झूले तो आए नहीं, शायद टूट गए, झूले नहीं लगे, पर हाँ, देख नहीं पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे।
देखिए ये होम बन रखा है, कितना प्यारा लग रहा है। और आपको पता नहीं होगा ये किस चीज से बना है, ये है गाय के गोबर से बना है। बहुत ही प्यारा, ये देखिए बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा है। कम नहीं रहा कि गोबर से होगा। और इधर ऊपर देखिए जय श्री राम भी लिखा है, यहाँ पे राम जी की ये छोटी सी मूर्ति बना रखी है, तो ये भी सारी गोबर से बना रखी है। ये गोबर से बना है, भारत का नक्शा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और लग भी नहीं रहा कहीं से कि गोबर से बना होगा, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे ये देखिए ये चप्पल है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए खड़क खड़क बोलते हैं इनको, खड़ा हो। अच्छा, हमारे श्री राम भगवान जी उनके पैरों में देखे होंगे ऐसे, तो ज्यादातर हमने देवी देवताओं के देखे हैं ऐसे। और बहुत जगह मैंने देखा है कई जगह कि पंडित लोगों के घर में भी ऐसे पहनते हैं, किचनों में चप्पल नहीं ले जाते तो ऐसे ही पहनते हैं, गोबर के बने हैं। तो सच में कैसे चलते होंगे पंडित लोगों के घर में। मैंने बहुत जगह ये चीजें देखी है कि किचन में इनका इस्तेमाल करते हैं, चप्पल नहीं ले जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, देखो गोबर से बने हैं, ऊपर लकड़ी लगी है, ये लकड़ी है ना, तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारा, देखो यहाँ पे ओम, और ये देखिए ये स्वस्तिक का चिन्ह बना रखा है, ये सारा गोबर से। बढ़िया लग रहा है, मैं भी फर्स्ट बार देख रही हूँ ऐसी चीजें कि गोबर से बनी है। ये देखिए हर हर महादेव, कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे घड़ी बना रखी, ये देखिए गोबर, देखिए ये भी ऐसे लग रहा है कि कुछ मतलब गोबर गोबर का नहीं होगा, कुछ और भी लकड़ी जैसा लग रहा है ना, पर लकड़ी नहीं है, ये सारा गोबर का है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं भी पता नहीं था कि गोबर से ये चीजें भी बनती है, हम भी फर्स्ट बार देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे घड़ी बना रखी, ये भी घड़ी है देखो। और ये देखिए ये अगरबत्ती है, ये भी गाय के गोबर से, तो ये तो सबसे पवित्र अच्छी चीजें है, बढ़िया है। हाँ ये बढ़िया है, जैसे हम घर में गाय के कंडे होते हैं वो जलाते हैं ना, उसका धोनी देते हवन करते हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। ये अगरबत्ती है, और ये देखिए ये भैया क्या है, ये हवन टिक्की, ये हवन टिक्की है। ये पूरा लेना पड़ता है कि टिक्की के हिसाब से, ये पूरा 180 का। तो अरे ये अगरबत्ती, ये 50। अच्छा, तो मैं भी यहाँ से जब आ रखी हूँ तो ना कुछ लेके जाऊंगी, तो मैं ये ले जाऊंगी, 50 की बता रहे, ये भी 50 का है। तो देखिए बढ़िया है, हवन, ये हवन कप है, ये अच्छा, इसमें हवन कर सकते हैं। हाँ जी, जो होता है इसमें कपूर डाल के जला सकते हैं आप, ये थोड़ा सा जैसे अब नवरात्र है ना, तो सबसे बढ़िया है कि इसमें जैसे कपूर की जो होती है टिक्की होती है, तो हम चम्मच लेते हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। ये गोबर का है, ये भी जल जाएगा, तो जैसे कपूर है ना, कपूर हम इसमें जला सकते हैं। तो मैं देखिए ये बहुत सारी चीजें मिली है, इसमें जड़ी बूटी भी है और गोबर से बना है। तो ये मैं क्या बोलते हैं अगरबत्ती ले रही हूँ, तो ये 50 रुपए की है। तो भैया सही है ना, तो अभी मेरा बजट इतना ही है, तो खाली मन नहीं, तो मेरा मन करता मैं और कुछ भी लेके जाती, तो फिलहाल अभी यही बहुत है। ये देखिए ये भी गोबर से बनाया है, मेक इन इंडिया। और यहाँ देखिए ये बना रखा है केदारनाथ, ये भी गाय के गोबर से कितना प्यारा बना रखा है ना, इसके अंदर भी देखोगे शिवलिंग है। और इसके अंदर ना शिवलिंग बना रखा है, शिवलिंग है अंदर, देखिए कैमरे में नहीं दिख रहा, हमें तो साफ दिख रहा है, लेकिन कैमरे में ये कैमरा थोड़ा इतना साफ नहीं है। तो बाहर पे नंदी महाराज है और अंदर है शिवलिंग है अंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है और एकदम बड़े आकार में दिख रहा है, जबकि दरवाजा कितना थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है वो। बहुत सारी मछलियां हैं और हम लाए साथ में ब्रेड, ताकि हम आपको भी अच्छे से मछलियां दिखा सकें और हमें भी दिख जाए।